और रात के बज रहे 3:10 और अभी हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या स्टेशन। बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा कोहरा हो गया है सब साइड। बस स्टेशन आने ही वाली है, प्लेटफॉर्म आने वाला है। आ गया आ गया आ गया अयोध्या। उतर गए है सुबह सुबह 3:00। हमने बुजुर्ग के कंधे पर कुछ ज्यादा बोझ नहीं डाल दिया, लग रहा है एजेड को हम थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। ज्यादा तंग कर रहे हैं क्यों? हम इस बुजुर्ग के कंधे पर ज्यादा बोझ नहीं डाल दिए। वाह वाह मेरे मिट्टी के शेर। तू शेर तू सुरवीर तू महान है जगर के। हमारी सवारी उतर चुकी है और अभी हम ढूंढ रहे हैं गेस्ट हाउस, और हमारे दो आदमी आगे गए हैं ढूंढते ढूंढते पैदल पैदल अयोध्या की इन सड़कों पे। हम घूम रहे हैं, रात के बज रहे हैं 4:15 अर्थात सुबह होने वाली है। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है काफी मजा आ रहा है सभी को। यहाँ काफी दिनों बाद ऐसा प्लान बना है। चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए। आगे गए थे ना वो लोग भी। तो ये तो आ रहे अंदर से। कोई बात ही करने वाला नहीं है। हाँ ये राम नाम वाले गए थे तो ये गेस्ट हाउस को था कि इधर दो ठक्के था। नहीं किया इधर ही गए थे पहले। ये होटल टाइप से दिख रहे थे थोड़ा सा। भैया आगे गेस्ट हाउस कुछ होटल वगैरह मिल जाएगा? हम भी खुद नए हैं, उनसे पूछे चाय वाले के बगल में बैठा था। हाँ। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आप नया घाट जाइए। हाँ। वहाँ नहा लीजिए कह रहे, उसके बाद में हनुमान गड्डी जाइए फिर राम जी के दर्शन को। अरे तो थोड़ा पहले सा कम से कम नाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा और अगल बगल में ही है। नहीं स्नान तो खैर करना ही है, वही पूछ रहे थे कि अगर कहीं मिल जाए होटल तो कहीं कुछ। वो तो पूछे नहीं मगर वहाँ रहना चाहिए हमारे ख्याल से। मम्मी तो पहली बार आए यहाँ। ऑटो ऑटो में चले क्या? फिर ऑटो में जाकर क्या करेगा भाई, पहले रुक लेते भाई। मैं नहीं बहुत सोना लगता हूँ, मैं बहुत सोने वाला हूँ। हम सो रहे हैं और ये है आशीष मुंडे। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? थक गया हूँ भाई। हैं दांतों के गैप भर लीजिए आप। भरेंगे भरेंगे अभी। शादी शादी के पर क्या किस्मत है? किस्मत ठीक है। नहीं वो जो आप जो रितिक गोल्ड खाते रहते हो ना, दिन भर सुपाड़ी, वो बंद कीजिए आप। नहीं नहीं वो मीठा सुपाड़ी बोल बोल के ना वो भी बेकार होता है। ठीक है तो फिर अब हम सोते हैं और मिलते हैं सुबह हम सीधा आपको राम जी के दरबार में।
ये कहते हैं कि अयोध्या आने के बाद सबसे पहला दर्शन हनुमान जी का किया जाता है और वो है यहाँ का फेमस हनुमान गढ़ी। तो अभी हम निकले हैं हनुमान गढ़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए और प्रसाद लेकर हम मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पहुँचेंगे हनुमान जी के दर्शन के लिए। और आज मंगलवार होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ भी है, लेकिन दर्शन के लिए कोई यहाँ पर किसी भी अनुमति की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं वो वीडियो के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर हम रास्ता भूल गए थे, इसलिए हम रास्ता ढूंढते ढूंढते हम पीछे निकल गए। हमको मिला यहाँ पर का एग्जिट गेट। हाँ, ये वाला एग्जिट डोर। हाँ, यहाँ से चलते, यहाँ से नीचे जाएंगे और बाकी हमारे जो साथी है वो पीछे रह गए हैं, जो कि शायद फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं। इस वजह से मैं और अभिषेक हम दोनों यहाँ पर निकल रहे हैं। और इस गली जो कि काफ़ी देख सकते हैं आप, एक अम्मा को लेके आया श्रवण कुमार है वो आज का। वो हाँ चला, वैसे उधर से गेट था, उधर से था गेट, इधर आ, उधर से था ये, इधर है, सामने मिल जाएगा। भाई कैसा चिपक जाते हैं लोग, क्या बाबू, दिस इज द फूल। आगे 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 भैया, दुकान में हमारे चप्पल हमारे जूते सब यही हैं। आगे तुम लोग नहीं आए, बाकी लोग नहीं आए, क्या बोलता है, चेंज करें, चेंज करते, थोड़ा फीलिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, अभी आएगा फीलिंग, अभी आया फीलिंग। अभी अपन आए अयोध्या राम मंदिर और अभी हम जाएंगे रामलला के दर्शन करने, हमारे श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने जाएंगे और आप सबको भी साथ में लेके जाएंगे। क्या, अरे अपनी अलग, सबसे अलग, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम, मेरे को लगाना है तिलक यार, विदाउट तिलक मजा नहीं आ रहा, कोई तिलक लगा दे बाबा हमने को। तिलक ये कितने का है, कहाँ है, राम मंदिर ये वाला रास्ता जाते है ना। हाँ, ये रास्ता ये इधर जाएगा। हाँ, बीजेपी, जय बीजेपी। मैंने थोड़ा सा और अपना आउटफिट चेंज कर लिया है और अब मैं थोड़ा सा बाबा बन के घूम रहा हूँ। जी हाँ, और मेरे साथ जो दो लोग थे वो लोग ना जाने कहाँ चले गए, गलियों में घूम रहे हैं। कहा हो बाबा, कौनो दिशा ले आयल का बा, तौनो कौनो दिशा ले, छत्तीसगढ़ ले, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, सबले बढ़िया, अलकरज बढ़िया, भयंकर बढ़िया, केनरा बैंक अयोध्या, वाओ हमको यहाँ क्या दिखा, केनरा बैंक नहीं, वीडियोग्राफी मना रहे, पुराना कौशल्या माता का भवन, ईट देखे यहाँ का, ईट ईट है, ईट है, ईट है, ईट को काट के बनाया गया है, बे 100 साल नहीं, 100 साल से ज्यादा ही, हजारों साल पुराना होगा भाई, नहीं हजार नहीं है, हो भी सकता है, नहीं नहीं हो भी सकता है, 1000 साल भाई, कई बार आदमी बनाता है ना, कई सालों में। अब देख मतलब अभी इसको पूरा वो कर देंगे जीर्णोद्वार इसका, अबे पहले चूना और गारा से बनता था। तो ये हमारी पुरानी सनातन संपत्ति जिसे हमें सहेज कर रखना है और जो पुरानी जो आर्किटेक्चर जो होती थी वो कुछ इस प्रकार की होती थी, ये भी लगभग 100 साल पुरानी है या ज़्यादा भी हो सकती उससे। इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा तो नहीं है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और इस खूबसूरत महल के बाद हम चलेंगे श्री राम लला के दरबार। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है कौशल्या माता का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर है छोटा सा, ये है कौशल्या माता का मंदिर जो कि बहुत पुराना है, प्राचीन है ये।
जी हाँ जय श्री राम। अयोध्या से मैं फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ और राम मंदिर के दर्शन के पश्चात हम बाहर निकले हैं। राम मंदिर का दर्शन मैं आपको नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ इतना चेकिंग था, अंदर किसी भी चीज़ कोई भी डिवाइस को ले जाना वहाँ अलाउ नहीं था। फ़ोन, घड़ी, कोई भी कैमरा, कोई भी ईयरफोन आप अंदर नहीं लेके जा सकते थे। तो उस वजह से रामलला जो जन्मस्थली है, जो मेन, उसका दर्शन मैं आपको नहीं करा पाया। बट हम बाहर यहाँ से निकल चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे सरयू घाट, सुग्रीव किला और माता कौशल्या का जो मेन जो मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल हम आपको अच्छी से अच्छी जगह घुमाएंगे। हैं सुग्रीव, सुग्रीव जी के किला में। ये भी यहाँ प्राचीन सुग्रीव किला है जो कि आपको याद ही होगा अगर आपने थोड़ा बहुत, अगर आपको रामायण की जानकारी होगी तो राम रावण युद्ध के समय सुग्रीव ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी राम के सेना में। फिर वे हनुमानगढ़ी गया था नहीं? वही तो है वो जो दिख रहा मंदिर, वो वाला नहीं है, वाला पूछ रहा हूँ। हाँ, वही वाला। ये हनुमानगढ़ी है, उसके जस्ट सामने वो जो वो था कनक भवन है क्या? वो कनक भवन ये कौन सा था? उसके उस पार कनक भवन। क्या बाबा जी कौने गाँव ले आयल बा? आयलबा हमारे नांदगांव। आयलबानी नांदगांव। आयलबानी नांदगांव। आयलबानी नांदगांव। भैया भैया फोटो खींच रहा, हम भी खींचा फोटो। ये कनक भवन राइट साइड, यही तो खाने आए थे यार, यहाँ पर से ले जा सकते थे। और ये है यहाँ का प्रसिद्ध कनक भवन, इसका ये भी बहुत पुराना है मंदिर, ये भी राम जानकी मंदिर है। ये इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आर्किटेक्चर इसका भी बहुत अच्छा है। चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या है नया इस जगह में। जी हाँ, ये मंदिर तो अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए देखते हैं कोई मिलता है जो यहाँ के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है। तो एक बाबा जी मिल रहे हैं हमको, दिख रहे हैं दूर से, हम थोड़े पुराने व्यक्ति, हम जाकर उनसे बात करते हैं। बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति लग रहे हैं ये जी। तो मंदिर क्या चीज़ का है? यह कनक भवन। किस मतलब क्या होता था पहले यहाँ? ये बहुत पुराना है ना ये भी? 28 कल्प। राम जी जानकी जी मंदिर। पुराने सजीव त्रेता में जो होता है सो यही सब होता है। क्या पुराना जमाना में भगवान के सामने में भूमि गलैया नाचते रहे, गाते रहे, कोई भजन करते रहे, कोई पूजा करते रहे, कोई आरती किया, यही सब होगा। सत रहे, सज्जु रहे, त्रेता रहे, वही समय में सत रहे या सत नहीं रहे। कौशल्या माता वगैरह का भी मंदिर यही सब था? कौशल्या माता उनका माय हुआ मंदिर रहे केकई। केकई तीन रानी रहे, सुमित्रा, कौशल्या, केकई। बड़की रानी रहे कौशल्या। हाँ, उनकर बेटा राम रहे। केकई के भरत रहे। हाँ, आ सुमित्रा के लक्ष्मण आ शत्रुघ्न। वही तो राम जी की शादी हुए तो केकई मुँह देखे में। हाँ, सीताराम जी के देव मंदिर मुँह देखाए में दान किया। आपका मंदिर है हमारा। वही समय से सीता जानकी, राम जानकी अन्य जी। गंगा आरती जैसा होता है सरयू घाट में आरती? गंगा आरती के जैसा होता है सरयू घाट का आरती? वही ऐसा वाला पकड़ के बड़े बड़े 4-5 बार में 6 बजे होगा अभी।
6 बजे? हाँ 6 बजे आरती होगा। गर्मी के टाइम पे दिन ज्यादा होता है तो 7 बजे करते बारिश के समय। अरे एक जन कहाँ है वो फोटो खींच रहा बंदर लोग। अरे यार बंदर लोग उसका 40,000 का फोन लेके चल देंगे। ये दे मेरा भी ना लेके चल दे। अरे भैया गुजराती है निकेश शुक्ला जी आपका? छत्तीसगढ़ से सर हम लोग। नहीं सुने हो ना इसीलिए। ये रोड सड़क निकालती है वो रोड ये भी निकालती है। तो घाट के लिए पास कौन ऑटो ऑटो कहाँ से मिल जाएगा? मिल जाएगा मेरा यार ससुराल। ससुराल सॉरी हो गया। 6 बजे कारती है उसके साले का पूजा निकालेगा। उसके साले का वो निकालना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। मैं तो और चाबे रहता मेरे को लड़की चाबे लगी थी। अब फिर उसका लड़की उसको पकड़ लेता। अरे ठीक है ना ब्लॉक में पूरे पाली बनाएगा कैसे? अबे ऑटो में बैठ गए क्या? हाँ बैठ गए भैया। वहाँ चलना है घाट चलना है ठीक है। हाँ नहीं हम आपको वहीं शिफ्ट हो गए मिनट। तू कहाँ बैठ रहा है? मैं चला रहा हूँ तू कहाँ चला रहा है? ये भैया ये शुक्ला हमारे यही सब करते हैं। आगे से पास में ना ऑटो वाले भैया ने हमको यहाँ पर छोड़ा है और आगे से मिलेगा। और ये आगे हम सरयू तट पे एंड ये अहिल्या अहिल्या बाई राम मंदिर महाराजा होलकर इंदौर से है लिखा हुआ है वो। आपका नंबर दो ना यहाँ से जब हमको वापस जाना आपको फोन करके बुला ही लेंगे। बहुत गाड़ी मिलेगा सुना नहीं? अच्छा बहुत गाड़ी मिलेगा। चलो आओ ना यार कहीं और रहेंगे तो। ये किसका किला है भैया? सिग्नापुर थोड़ी ना ये किसका किला है? ये अभी इस समय का किला पुराना नहीं है। ज्यादा पुराना नहीं है? ज्यादा ईट वीट देख के तो लग रहा है भाई उनका किला तो वहाँ ओंकारेश्वर में है। वही तो सोच के मैं पूछा। मैं ये बोले अभी का किला है ज्यादा पुराना नहीं है। ये ईटा कौन सा यूज हो रहा है देखना यहाँ ईट देख यहाँ का ये वो वाला ईटा देख पतला पतला ये पतला पतला पट्टी ने बनाया है। अभी पट्टी पट्टी वाला ईट है ये तो नहीं ये तो नॉर्मल ईटा है तेरा देखना है ना मेरे को। ये है ये है वो ईटा ले ले ये देख ये ईट है। हाँ भाई ये है अच्छा अच्छा है जो भी है ये है। अबे तो ये पूरा सैगा थोड़ी है टूटा टूटा हिस्सा है। नहीं भे फिर भी एसीसी जैसा ही है ऐसा और ऐसा। हाँ वो चौक कौन रहता होगा वो कौन सा ये देख ये ईट देख हम लोग एकदम ईट देखने नहीं आए। ये देखिए अबे ये भी वही बहुत इंटरेस्टेड वाली चीज है। नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को मैं ये सब चीजें देखता हूँ। देख ये भी वही ईट। एक मिनट सुन ना कहीं यूपी में यही ईट तो नहीं बनती थी पहले क्योंकि ये तो नया घर टाइप का लग रहा है। ये नया कंस्ट्रक्शन में हुआ है वो छोड़ ये नया वाला डिजाइन देखिए वाला ये वाला डिजाइन वो जो गोल गोल हुआ वो। हाँ ये ना वही से गोल कट गया मतलब इन लोग को डिजाइन का डिजाइन भी हो गया और सिर्फ और एक मिट्टी बना है। हाँ मिट्टी नहीं है मतलब ज्यादा पुराना अबे मुर्मी का रहा ज्यादा पुराना नहीं है ये 6:30 बजे होगी आरती। आरती होगी 6:30 बजे मंदिर। जी हाँ आरती में समय होने के कारण अभी हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और कुछ खाने का देखेंगे। यार चलो आगे कुछ मिलेगा खाने का तब तक हम थोड़ा सा टाइम लैप्स ले लेते हैं। जी हाँ धीरे धीरे शाम ढलता हुआ आरती का समय आ रहा है। अच्छा आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैं आपको आरती के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये है सरयू घाट जहाँ पर हुआ था दीपोत्सव उत्सव। ये है यहाँ का बंदर। हेलो बंदर दिए ना उधर ए दिए ना ए दे दे देख दे रहे दे देख 5 रुपए दे रहे 5 रुपए 10 है मांगना मत ठीक है अब मत मांगना कहीं जा खेल अब दे दे ये जा खुश रह जा। आइए मैं थोड़ा सरयू को
सरयू जल। ये कुंड यहाँ पर पूजा के लिए बनाया गया है। जैसा कि भी आप देखे दीपोत्सव में जो पूरी जो लाइटिंग हुई थी और जो 980,000 जो दिए जले थे, कुछ लाखों दिए जले थे, 9 लाख 10 लाख कुछ गिनती में कोई याद नहीं है, वो यहीं जले थे पूरे दिए अभी, तो उसी के लिए ये घाट बनाया गया था। अब हम आ गए हैं मेन सरयू नदी के तट पर और यहाँ होगा अभी सरयू आरती। जैसा कि मैं बताया कि मैं आरती के लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा, आप कमेंट में बताइएगा कि आपको आरती का वीडियो चाहिए कि नहीं। बहुत ही सुंदर गंगा आरती की तरह यहाँ भी सरयू का आरती होता है, तो आप बताइएगा कमेंट करके बिल्कुल मुझे। कैसा है भैया फूल? फूल दिया फूल 20 रुपए तेल के साथ ना? ठीक है। घाट से आगे निकलकर अब हम बढ़ेंगे अपने नए स्टॉपेज की ओर। अपने कहाँ जाना है मिंटू? आप ही बताएंगे। तो बाकी हमारे 3 साथी जो कि कहीं गुम गए हैं उनको हम ढूंढेंगे, उनके साथ हम चलेंगे आगे। एक बार सरयू नदी को हम प्रणाम करते हुए हम यहाँ से निकलेंगे आगे। चलिए अरे इधर चलो ऊपर ऊपर चलते हैं ना कहीं मिलेंगे ना लोग। आना ऊपर ही आना। और इस आड़े टेढ़े रास्ते से गुजरते हुए हम ढूंढ रहे हैं हमारे आड़े टेढ़े दोस्तों को जो कि न जाने कहीं खो गए हैं और हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमको उनका लोकेशन मिल नहीं पा रहा है बार बार। चलिए देखते हैं कहाँ है वो। रात के बज रहे 12 और अयोध्या को अलविदा कहने का ये वक्त हो चुका है। जय श्री राम। और निकल चुके हैं हमारे 2 पंटर सामने हैं। अब हम फूफा जी आगे करके तुम्हारा।